सुनेंगे, फिर ताली बजाएंगे, अरेंजी कर जाता है इनका बजा दो जी। कॉलेज पहुँच गई है, कौन सी पकड़ती है, मास्टर की डिग्री कर रही है, फर्स्ट ईयर में है, जब ये गीत गाया जब नौवीं में थी, ताली बजाता है। और वो भगवान आज मैं सच को बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा, नामी गिरामी कलाकारों के द्वारा गाया जाता है, क्योंकि मैं बहुत कई दरबारों में जाता हूँ, मंचों पर जाता हूँ, तो हमें उसी समय विधि देशवाल याद आती है कि उस बेटी ने इस भजन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कृपा रही। आइए अब ये क्लास मैंने तैयार कर दी, मैं भी अध्यापक हूँ, सोनीपत पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है, अपने माता पिता को और गुरु को भी वो चीज़ अच्छी लग सकती है, बाकी कई पड़ोसी जड़ भी सकते हैं, भाई कित पहुँच गया, ताली बजा दो भाई, खुश होकर के सुनिए खूब आनंद आए, जय शिक्षा। भाग्यशाली समझती हूँ। एक बात और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज श्याम बाबा का मेरा पहला जागरण है, ये लगा लीजिए, यहाँ से आज मेरी शुरुआत हो रही है। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद और साथ मुझे चाहिए होगा, आप सब लोग ही मेरा हौसला है। कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, आपकी बेटी आपकी बच्ची हूँ, गाते बजाते समय कोई भूल कोई त्रुटि मुझसे हो जाए तो पहले ही उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए, हर कलाकार का अपना एक अंदाज होता है, थोड़ा मोड़ा अंदाज मैं भी अपना रखती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में लगाती हूँ, उस देवी के चरणों में लगाती हूँ जिसकी रीस जिसकी होड़ खुद भगवान भी नहीं कर सकते। आप लोग समझ गए होंगे, हमारी जननी माँ। लोगों, मैं मानती हूँ कि कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं मानती हूँ कि कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ की जगह पर कोई खड़ा नहीं होता। जो जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं जोरदार ताली बजाओ। एक हरियाणवी रचना है, मैं कोशिश करूंगी हिंदी में उसको थोड़ा सा गाऊं। हरियाणवी, अच्छा किस किस को समझ आती है हरियाणवी, एक बार हाथ
क्या बात है रे, मौत होगी मेरी तो। हे विधि, ये सारे ट्रांसलेटर बैठे हैं, जरूर सा तेरा मूड करे उषा का, मैं देख ले तुम कहनी हो बोलने लाग रहे हो, और इनके सारी बात समझ आवे, खुल कहेगा कभी डरने की जरूरत नहीं, ताली बजा दो छोरी भाई। हाँ आइए, थोड़ी सी वार्ता, थोड़ी सी भूमिका पहले बताना चाहूंगी। एक लड़का जिसको घमंड हो जाता है, घमंड कैसा आया, रुक के मारता आया, ए माँ सुनिए एक बारी, माँ बोलिए बेटा किसी तावड़ में हो रहा क्यों हो गया, बोला माँ या सारे दुनिया में तो ऐसे है, माँ बाप का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता, आज मुझे बता मुझे क्या करना, आज मैं तेरा कर्ज उतार के दिखाऊंगा। माँ असल लगी, बोली अरे बावड़े बेटा किसने बका दिया तू, बोला माँ तू बता दो एक बारी क्या करना है, मैं आज कर्ज उतार के मानूंगा। माँ समझ गई उल्टी पट्टी चढ़ रही है मेरे छोरे के, तो माँ के बोली बेटा तार पे चुन्नी दिख है, बोला हाँ माँ दिख है, बोला ले का बेटा, बोला इसने और बिछा ले, और बोला वह दो ईंट दिखे हैं वह ठाकर इस पर लिया, और इसने लपेट कर अपने पेट को बांध ले, लोगों दो ईंट उस माँ ने अपने बेटे के पेट पे बंधवा दी, और उनका परिवार गरीब था, तो लोगों घर में एसी नहीं, गर्मी के दिन और लाइट चस बुझ कदे लाइट जावे कदे लाइट आवे, और माँ बोली नोनिया तू बैठ जागा सारा काम करना है घर का, छोरा कदे शानी में वह कदे मैसा न प्या कर लिया, वह दुखी हो गया, आया वह चुन्नी तार कर बगा कुमारी है माँ के बकवास है, मैंने तो नू गई थी मैं तो कर्ज उतारूंगा, यो के कर दिया तने, मैं तो दुखी हो गया। माँ हंसन लगी, बोला बस बेटा उतर गया कर्ज, बेटा 9 महीने मैंने तो अपनी कोख में रखा था रे, लेकिन कदे भी मैंने नू नहीं कही, मैंने बोझ लांग रहा था। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा होकर चले गए लोगों, श्री राम जी जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोग गया, शरण जैसे बेटे होके चले गए, वो भी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सके, कभी भी ये भूल में मत रहना, चाहे तुम अपने चमड़ी की जूती बना कर माँ बाप के पैरों में पहना दो, तब भी तुम माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते। आइए, बहुत सुंदर रचना है, हरियाणवी में है, आशा करूंगी आप सबको समझ आएगी, आइए कैसे क्या। लोगों जननी माँ की रीस नहीं हो सकती, चाहे खुद भगवान धरती पा जाओ, वो भी जननी माँ